बहुत ही अद्भुत क्षण हमारे लिए, कल डॉक्टर साहब सम्मान करें, हमारे प्रभारी मेंबर है डॉक्टर सम्मान, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। सभी भाई और बहनों, और वैसे तो देखिए अब तक दोनों वक्ता है इतने जबरदस्त उनकी व्यक्तित्व था कि अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे, और वास्तव में मैं अनटेंड हूं। मैं आप सबको इसलिए आभारी हूं कि मैंने तो आप सभी से सीखा। मैं योग का भी एक्सपर्ट नहीं हूं, इतना ट्रेंड नहीं हूं, लेकिन वास्तव में आप सबसे सीखने में जो मुझे मिला मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो मैं दौरे डॉक्टर साहब का वास्तव में बड़ा कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मेरे विषय को भी बहुत आसान कर दिया। अब तो मेरे लिए कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। इसलिए अब इन्होंने विषय तो योग का कह दिया, वास्तव में तो ये कि देखो योग क्या कहें। आज के टाइम में तो शारीरिक अभ्यास को योग कहने लगे, थोड़ा मुश्किल तो हो गया, परिभाषा ही बदल गई, लेकिन वो तो वास्तव में ये तो संतों की भूमि है। यहाँ पर तो संत जिस आनंद का अनुभव करता है वही योग है वास्तव में। और देखिए उस अवस्था में स्थित हुआ व्यक्ति जब उस आनंद की अवस्था में होता तो उसका दिल भी बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता साहब। ये तो दिल के एक्सपर्ट हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वो भी बहुत बढ़िया ऑपरेशन होता है। योग की भाषा में अगर मान लीजिए किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो पेट के सहारे लेटते हैं तो शिथिल आसन में, तो उस समय हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में बाई तरफ शिथिल आसन होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर लो ब्लड प्रेशर हो तो दाई तरफ शिथिल दूसरी तरफ शिथिलासन होना चाहिए। तो इससे हार्ट की क्रियाशीलता अपने आप प्रभावित हो जाती है। और इसी प्रकार अलग अलग आसन है, देखिए वो तो आप जब किसी योग के केंद्र में पहुंचेंगे तो वहां अपने आप सीख जाएंगे, उसके लाभ और हानि भी आपको पता चल जाएगा। ऐसे शब्दों में कहें तो क्या कहें हम इसके बारे में, क्योंकि ये तो सारा सारा प्रयोग में करने वाला विज्ञान है। और वास्तविकता यह है कि जिसका शरीर ठीक है उसके स्वस्थ मन की कामना की जाती है। तो विचार की शुद्धि भी जब हम योग की साधना करते हैं तो विचार की शुद्धि भी हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी को किसी प्रकार का कोई तनाव हो जाए तो उसके हृदय की धड़कन अपने आप बदल जाती है, हृदय रोग ही हो जाता है इस प्रकार का नाम रहा हुआ। लेकिन अगर इन सब व्यवस्थाओं में देखिए इस भागदौड़ की जिंदगी में अगर हम थोड़ा सा इसका योग का सहारा लेते रहे, योग साधना का सहारा लेते रहे, तो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से हम स्वस्थ संतुलित रह सकते हैं। तो उस अवस्था में वास्तव में इसके बाद योग घटित होता है। जब तक कुछ करने का एक भान होता है कि हम ये कर रहे, एक तर्तापन का हेम होता है, तब उस समय योग नहीं होता। लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए कि कर्तापन का भाव तो मिट जाए, प्रभु तेरी कृपा से हो रहा है, वास्तव में योग की अवस्था तो वो है। तो यही हमारे संतों ने ऋषियों ने यही बयान की। देखिए वैसे तो मैंने भी विज्ञान पढ़ा, लेकिन सौभाग्य से परमात्मा की कृपा से मेरे को एक लाइन सेवा के लिए मिल गई है। जितने भी हमारे केंद्र निःशुल्क चलते हैं, सुबह 5 बजे से शुरू होते हैं, अलग अलग समय पर विभिन्न पार्कों में, यहाँ वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम, उधर नोएडा और गाजियाबाद में। तो ये निःशुल्क सेवा का भगवान ने मेरे को मौका दिया, तो इससे बढ़िया तो मैं कुछ मानता नहीं था, और मुझे इससे अच्छा कुछ लगा भी। तो इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि देखिए अगर जीवन में वास्तव में एक समता चाहिए, अति हर चीज की बुरी है, तनाव किसी कारण से हो जाए दूसरे के द्वारा या अपने द्वारा वो बुरा ही है, तो उस समता की स्थिति के लिए हमें ये इस तरह की व्यवस्था में ढलना ही पड़ेगा। और इसमें ऐसा नहीं, बहुत से लोग कहते हैं इतना समय बर्बाद करते ये कर दो, मैं कहता हूं कि अगर जो नियमित रूप से इस प्रकार का अभ्यास करे तो उसकी शारीरिक सामर्थ्य भी बहुत बढ़ जाती है, वो पुरुषार्थ भी बहुत करता है,
और मैंने ये देखा है कि जो नियमित योग साधना करते हैं, चाहे घर हो, ऑफिस हो या कहीं पर भी हो, वो सामान्य व्यक्ति से मल्टीपल्स में आउटपुट देते हैं, मल्टीपल में जो काम करते हैं। तो इस प्रकार शारीरिक सामर्थ्य पुरुषार्थ भी खूब करना चाहिए, और खूब पुरुषार्थ करने के साथ साथ बस फिर ये कह दीजिए कर गए हो तुम कन्हैया मेरा नाम। देखिए मेरे बीच में यहाँ पर मुझसे भी ज्यादा जानकार योग के हैं कई, जो हम हमारे योग केंद्र से जुड़े हुए हैं। वास्तव में उनकी शरण में जब मैं बैठता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ तो मेरे को वैसे ही बोलने के लिए बोल कह दिया गया, लेकिन वास्तव में तो मैं उनसे सीखता हूँ जो वहाँ योग केंद्रों में जाने वाले लोग यहाँ पर हैं। तो बस मेरी यही प्रार्थना है इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए इस तरह की दिनचर्या में इसको समय अवश्य दिया करिए। कोई एक बात आ रही थी, बस अब मैं एक मिनट में अपनी बात संपन्न करता हूं। कि कोई बीज हुआ, आखिर इस बीज के होने का उद्देश्य क्या था? तो कोई जानकार लोग, जो भारत के मनीषी लोग, ऋषि लोग, महात्मा लोग, जिन्होंने आंतरिक शोध किए, उन्होंने जवाब दिया कि ये बीज जिस पेड़ से, जिस पौधे से उत्पन्न हुआ, उसी जैसा वृक्ष पैदा कर सकता है, ये इसके जीवन का उद्देश्य है। फिर किसी ने पूछा कि वे नदी पहाड़ से बहती है और बहती हुई चली जाती, इसका क्या उद्देश्य है? तो फिर जानकारों से पूछा, देखिए ये बाहर से जवाब भी ना करते, ये मनीषी लोग देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो नदी है, ये पहाड़ से बहना शुरू करती है और बहते हुए कितने ही खलिहानों को या वनस्पति को पोषित करती है, और इसके साथ साथ क्या आखिर समुद्र में मिल जाती, समुद्र में मिलना इसका उद्देश्य था। और फिर तीसरा प्रश्न आता है जो बहुत सार्थक है और हम सबको इस पर विचार करना चाहिए कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मनीषियों ने, महात्माओं ने, जानकार ने, जो इस विश्व के गुरु हुए, उन्होंने कहा कि केवल परमात्मा अनुभूति मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। अब देखिए साहब, हालांकि आजकल के जीवन में तो इस सार्थक बात लगती है, भागदौड़ होती है, टेंशन भी है, सब कुछ है, और सच्चाई है कि उसी के लिए समय नहीं बचता। तो इसलिए बस अपनी मूल ये जो कीमती समय होता है उसमें से चाहे थोड़ा समय निकालें, अपने आप को जरूर जानिए और उस परमात्मा का चिंतन जरूर कीजिए, चाहे जैसे भी हो उसके उसका चिंतन, अर्थात मन उसके साथ विलय हो जाए। योग की अवस्था तो वो है असल में योग। ये आसन वगैरह ये तो एक थोड़े कुछ स्टेप्स हैं, तो इसमें जैसे कुछ तो आसन हो जाएंगे जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी रक्त वाहिनियां, ये सब अपना कार्य सुचारू रूप से करती हैं और जीवनदायिनी अंग भी अच्छे ढंग से काम करती हैं। इसके साथ साथ उसी में कुछ प्राणायाम, तो प्राणायाम से भी तन के शोधन के साथ साथ मन की स्थिरता, मन की जो एक उत्तेजना है, उस उत्तेजना में कमी आती है, मन समता में आने लगता है। वैसे तो पतंजलि अष्टांग योग में 8 ही स्टेप्स हैं, लेकिन मैं एक शॉर्ट में इसे बताना चाह रहा हूं कि जब धीरे धीरे मन की समता आने लगती है, मन में जो फालतू का विचार आकर एनर्जी वेस्ट होती है, तो जैसे ही मन ये बाहर के बेकार के विचारों से हटता है, तो उस समय मन विश्राम में आने के बाद फिर उसको जब दिशा दी जाती है, कोई बात आगे करते हो तुम कर नहीं है उसको याद करते हैं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, और ये व्यवस्था भारत विकास परिषद में वास्तव में ऐसी व्यवस्थाएं सबके लिए बड़ी हितकर होती हैं और सबको बहुत लाभ होता है। बस मैं तो यही कहूंगा, सभी से बहुत एक ऑर्गेनाइजेशन से इस तरह से काम करते हैं कि उनके मूल में यही होना चाहिए कि सबका भला हो, सबका भला। सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लग रहा है कि भारतवाज जी के लिए तालियां कम है, थोड़ा समय ज्यादा हो गया, छोटा तालियां भारतवाज जी के लिए। तालियां शरीर के बहुत लिए लाभदायक है, ऐसा भारतवाज जी ने सिखाया है, सही सिखाया, गलत सिखाया भगवान जाने।